कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां को लेकर एक बेहद बुरी खबर आई है। इस वक्त प्रेगनेंसी की हालत में अपने पति संग रिश्ते को लेकर उनका कहना है कि अवैध है उनका रिश्ता निखिल जैन के साथ। क्यों कहा है नुसरत जहां ने ऐसा, है सवाल लोगों के जहन में। जी हां, नुसरत जहां का शादी से पहले कई लोगों के साथ नाम जुड़ा है और अब पति संग अनबन को के बीच में नुसरत ने शादी को मान्य नहीं बताया। फिर तलाक किस बात का सवाल तो ये भी है, क्योंकि नुसरत जहां को अपने पति संग तलाक लेना पड़ रहा है। तो शादी तो हुई है, 6 महीने से साथ नहीं है निखिल और नुसरत, ये कहा जा रहा है। और नुसरत की प्रेगनेंसी की खबरों ने तभी तो पकड़ा, लेकिन निखिल ने उनके बच्चे को अपनाने से इनकार किया। और ऐसे में नुसरत जहां ने इस मामले पर स्टेटमेंट दिया, कहा एक विदेशी भूमि पर होने के कारण तुर्की मैरिज रेगुलेशन के अनुसार शादी अमान्य है। इसके अलावा क्योंकि ये एक इंटरफेथ मैरिज है, दो धर्मों के लोगों के बीच में हुई शादी थी, इसलिए इसे भारत में इसे वैधानिक मान्यता देने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कानूनन तौर पर ये शादी वैलिड नहीं, बल्कि एक रिलेशनशिप या फिर लिविंग रिलेशनशिप है, इसलिए तलाक का सवाल ही नहीं उठता। अब बहुत पहले ही अलग हो गए थे हम, नुसरत ने कहा, लेकिन मैंने इस बारे में बात नहीं की क्योंकि मैं अपनी प्राइवेट लाइफ को अपने तक रखना सीमित रखना चाहती थी। हमारी कथित शादी कानूनी रूप से वैध है और मान्य नहीं, और ये कानून की नज़र में शादी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कहकर नुसरत ने अपने शादीशुदा रिश्ते पर विराम लगाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी और के साथ नहीं, लेकिन निखिल ने कहा कि वो किसी और के साथ है। पॉपुलर एक्टर यशदास गुप्ता संग में नुसरत का नाम जुड़ा है और उनके साथ पिछले दोनों साल दिसंबर राजस्थान ट्रिप पर जब गए तो ये दोनों काफ़ी नज़दीक आए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।